आखिरी स्टेप में ना ये मरहला है। उठो रमेश, अम्मी का फोन है तुम्हारे लिए। मरेला वाटरफॉल पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक ये है कि आप मोटरवे से चले जाएं तो 150 किलोमीटर का फासला है, आपने जाना है हवेलिया, हवेलिया से आप जाएंगे सज्जीकोट और सज्जीकोट के बाद पुरन गांव। पीर सुहावा से भी आप जा सकते हैं और फिर वहां से जाके सज्जीकोट का रास्ता ले लें। पीर सुहावा वाला रास्ता कम है लेकिन जाहिर सी बात है वो पहाड़ी का रास्ता है और साथ में जो हमारे लोग हैं इनको चक्कर भी आ जाते हैं, लेकिन टाइम दोनों का पहुँचने का एक ही है। ओ जीटी रोड ते ब्रेका लग गया वो बिलट तेरी टोर है के मोटरवे M1 और फिर हजारा मोटरवे चढ़ जाएंगे। तकरीबन 35 किलोमीटर चलेंगे M1 पे और फिर हजारा मोटरवे पे चढ़ जाना। M1 पे चढ़ते हुए सबसे पहले सर्विस एरिया ये आता है जहाँ पे खालू फ्राइड चिकन लिखा है, तो M1 पे रिफ्यूलिंग करनी हो तो इधर से करा लें। E35 हजारा मोटरवे पे अब तकरीबन 61 किलोमीटर हमने चलना है, उसके बाद हमें मुड़ना है N35 के लिए, हवेलिया से एग्जिट लेंगे। एक किलोमीटर पे हमने टर्न ले लेना है। द ग्लोरियस कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर्स। क्या बात है यार, ठीक हो गया भाई। यार M-Tech के बस फवायद हासिल करें गया। वाह भाई वाह, राइट है ना हवेलिया के लिए जाना है। अच्छा, तकरीबन 31 किलोमीटर है जो कि एक घंटे में तय होगा क्योंकि आप मोटरवे से आप उधर गए और शहर के अंदर से जा रहे हैं, इसका कोई बाईपास तो है नहीं। अच्छा, आप अम्ब्रेला आबशार सर्च कराएंगे ना तो एक भाई की वीडियो यूट्यूब पे सबसे ऊपर आएगी, वो कह रहे थे कि यार आप जो है पीर सुहावा वाला रास्ता ले लें, वो बहुत खूबसूरत रास्ता है भाई, ये उससे कई ज्यादा खूबसूरत रास्ता है, हमारा ओपिनियन है। आउटर वे से उतर के हम हवेलिया के बाजार में आए थे तो उसके बाद हमें एक बोर्ड दिखा जो कि ठंडियानी की तरफ जा रहा था, रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ी देर बाद उसने हमें कच्चे रास्ते पे उतारने को कहा और लोकल ने भी कहा यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि आधे लोकल्स ने कंफ्यूज कर दिया, कहने लगा आप गाड़ी ख़राब कर लोगे अपनी। फिर हम वापस चढ़े, बाज़ार से आगे आए तो लुंडा बाज़ार रोड पे उसने हमें मोड़ दिया, अब हम उससे रास्ता फॉलो कर रहे हैं। सज्जीकोट तक जाने का रास्ता भी खूबसूरत है सिंगल रोड, लेकिन भाई जितना भी टाइम आपको लोग बता रहे हैं ना, अगर आप यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट लेके आओगे ना तो उतना ही टाइम लगेगा। हम नए हैं तो मुझे लग रहा है हमें उससे आधा पौन घंटा और ज़्यादा लग रहा है। तकरीबन 7 किलोमीटर का रोड है सज्जीकोट का और चढ़ाई चढ़ाई है। देखो इस सज्जीकोट में दाखिल हो गए, अभी भी सीधा ही जाना है अम्ब्रेला के लिए। खोखले पहाड़ हैं, बाकायदा केव्स हैं। पूना गांव आ गया, नीचे उतरना है अम्ब्रेला आबशार। बस आ गए हम, वो रही हमारी गाड़ियाँ, 100 रुपये दे के हमने पार्क कर लिए, पत्थर लगा लिए ढलान है यहाँ पे। अभी एक साहब की गाड़ी बेकाबू होके दूसरी वाली गाड़ी में घुस गई पार्किंग में। सामने वॉशरूम है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कोई भी ऑयली ऑयली तली हुई चीज़ें खा के ट्रैकिंग नहीं करें। सालों का तजुर्बा है कि जब आपको ट्रैकिंग करनी हो कुछ करनी हो ना, बहुत ज़्यादा ये ऑयली चीज़ें खाना पेट भर के मत जाएँ, ठीक है। और सामान कम से कम नीचे लेके उतरें, ट्रैकिंग में जहर लग रहा होता है अगर ज़्यादा सामान आपने लिया। ये मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे हम और वहाँ से नीचे उतरना है हमें। चले भाई बिस्मिल्लाह। भाई लोकल्स को यहाँ सपोर्ट करना चाहिए, हमारे पास पानी खाने की सब चीज़ें थी, उसके बावजूद हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली हैं, थोड़ी महंगी है लेकिन हमें शिकायत नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव लोग हैं, अब्दुल हमीद भाई को हमने गाइड ले लिया, ज़रूरत नहीं है हमें, और बाकी गाइड तो हमारे ये भी हो सकते थे। इस काम के अलावा इनके पास काम है नहीं कोई, तो बस यही पेशा है इनका, सपोर्ट करनी चाहिए हमें। अभी आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, वाटरफॉल रिजॉर्ट है यहाँ पे। अच्छा, 2:45 पे हमने स्टार्ट की है ट्रैकिंग, कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर की है ट्रैकिंग, लेट्स सी हम कितनी देर में करते हैं। लालू के चढ़ना चार नंबर, 4 साल सही है, 13 साल रह के आए कराची। अच्छा, बस ये है कि भाई आप किससे सुनते जाएं चलते जाएं, इनके टाइम अच्छा पास हो जाएगा। अभी तक तो ये हो रहा है कि
घुटनों पे जोर पड़ रहा है क्योंकि नीचे नीचे जा रहे हैं। इस वीडियो के तीन हिस्से बना लेंगे, एक जब इस्लामाबाद से निकले सजीकोट तक आए पूना गांव तक, दूसरा ट्रैकिंग का और तीसरा वाटरफॉल का। अनीस भाई ऐसा लग रहा है आप दोनों उतरते भीख मांग रहे। चल खच्चर भी मौजूद है भाई, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, वहाँ पे पॉन्ड बन रहे हैं। मशवरे में एक मशवरा ऐड कर ले, शॉर्ट्स ज़रूर रख के लाइएगा, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स की अशद ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट्स या लोअर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। घुटने टेस्ट हो गए ना उतरते हुए, अभी ये पता नहीं चला, मुश्किल नहीं है ये इतना, लेकिन नी बैंड लगा ले मेरे ख्याल से तो अच्छा है। आखिरी स्टेप में ना ये मरहला है, ये सब रस्सी के साथ उतर रहे हैं। इजी अनीस भाई इजी, सही है भाई, वाह वाह वाह। लड़का मैं गार्ड हूँ इनके साथ, मैं जा रहा हूँ जरा इनके नंबर बताएं अपना, जा रहा हूँ लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। 083-384-743। क्या बात है, मेरा फोन नंबर है। ऑसम। अरे कराची वालों, लाइफ लिटिल, गेट आउट फ्रॉम होम, निकलो घर से और देखो ये जगहें। यार वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये ब्लॉगर्स जो हैं एग्जैजरेट करते हैं चीज़ें, मैन्यूपुलेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी इधर आओगे ना पागल हो जाओगे। अनीस भाई, रमीज, माजिद सब जा रहे, क्या पॉन्ड्स बन रहे हैं यार। इस बहते पानी में मुझे अपने हाथों की लकीरें दिख तो नहीं रही, पर इसमें कुछ अच्छा ही लिखा होगा जब ही आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। कहानी खत्म हो चुकी है और पैसा हजम हो चुका है। अनीस भाई को और मैंने बाकी लोगों को ऊपर भेज दिया है, माजिद भाई और मैं रह गए। अगर इधर आना चाहते हो ना तो जल्द से जल्द आ जाओ और सुबह जल्दी निकलना। जिन लोगों के पास आईफोन है ना उनके तो मजे हैं यहाँ पे आके, अदरवाइज मोबाइल गीला हो रहा है, कोई प्रोटेक्शन या उसके साथ कवर ले आना तो अच्छी वीडियो बन जाएगी। बाकी कहना मैं ये चाहता हूँ, इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी, और ऐसी ही वीडियो को शैतान आपको रोकता है कि लाइक करना करो। आज एक बात समझ में आई, आबशार ऊपर से नीचे बहते पानी का नाम नहीं बल्कि आसमान से गिरती किसी नेमत का नाम, जिसकी बूंद बूंद में सुकून है। अगर आप भी इस सुकून की तलाश में हैं तो यहाँ आ जाएं। 5:15 हम नीचे से चले थे, 6:40 हो रहे हैं तकरीबन, और वापस आ गए हम। शुक्रिया बाबा।